बच्चों, मैं मोहम्मद साजिद आपका फिजिक्स टीचर डी एजुकेटर स्कूल से। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज हम उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइट पैरेलल फोर्सेस। आज इसी से फर्दर आगे शुरू करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है। एडिशन ऑफ फोर्सेस मींस टू फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, कि आप एडिशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू आपके जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। अब वेक्टर क्या चीज है और रिजल्टेंट क्या चीज है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। वेक्टर इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसे हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें। इसी तरह हम रखते हैं रिजल्टेंट फोर्स, कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं और मींस दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक वक्त में एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, 2, 4, 6 इन्फिनिट फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। सो उन सबका जो सम होगा, उस सब का सम एक सिंगल फोर्स आती है, इसको नाम देते हैं रिजल्टेंट फोर्स का। और इसकी इसका जो अफेक्ट होगा वो बिल्कुल वही होगा जो इन तमाम फोर्सेस का। अब ये चीज तो हमने कर दी रिजल्टेंट फोर्स की। अब फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम क्या क्या का यूज करते हैं उसे हम देखेंगे। फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल एक ऐसा ग्राफिकल मेथड है जिसको यूज करके हम फाइंड करते हैं रिजल्ट। और हेड टू टेल रूल की सबसे अहम चीज यानी फायदा ये है कि इसकी मदद से आप एन नंबर ऑफ फोर्सेस को, मतलब एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। अब हेड टू टेल रूल को हम कैसे ग्राफ करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी बात चोरी से करते हैं। हेड टू टेल रूल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा स्केल, सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना पड़ता है। सूटेबल स्केल सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि आपके पास जो फोर्स होती है वो इन टर्म्स होती है न्यूटन। आप उसे पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, तो उसे पेपर पे ड्रा करने के लिए हम एक सूटेबल स्केल एडजस्ट करते हैं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से फोर्स को पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पे एक स्केल एडजस्ट किया है जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स को पेपर पे ड्रा करना चाहूँ तो मुझे पेपर पे 1 सेंटीमीटर लाइन लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो मुझे 2 सेंटीमीटर ड्रा करना पड़ेगी, और 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 5 सेंटीमीटर। अब हाइट टू टेल रूल को हम ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई से 2 वेक्टर ड्रा कर दिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको ड्रा करने का तरीका ये है कि इन दोनों वेक्टर में से जिस मर्जी वेक्टर को आप फर्स्ट कंसीडर कर लें। हम ए वाले को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करते हैं ए। अब इसे जोड़ना कैसे है आपने दूसरे वेक्टर के साथ, आपने वेक्टर बी की टेल, ये जो इसकी टेल है, आपने इसको फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करना है, और देन आपके पास भी बचता है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रा करना है, रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए आपने एक वेक्टर ड्रा करना है जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करे और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करे। ये तो हमारे पास 2 वेक्टर की एग्जांपल थी। आप इसमें 3, 4, 5 एन नंबर ऑफ वेक्टर्स ले सकते हैं। जी ये तो थी 2 वेक्टर्स की एग्जांपल। अगर हमारे पास 2 से 7 वेक्टर्स आ जाए, लेट्स सपोज दैट ए बी और एक वेक्टर है
सी। अब ये तीन वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। A1 को पहले लिखेंगे वेक्टर A, बी वाले को सेकेंड, इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कौन सा होगी, और एंड वाला सी, सी की टेल सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ कौन सा होगी। और देन अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट के लिए आपका वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करना चाहिए, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मजीद इसके मुतालिक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी।